एक ब्लॉक 1 kg का स्प्रिंग के साथ हमने अटैच कर दिया, तो स्प्रिंग क्या होगा? एक्सपैंड। स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ब्लॉक कितना, ब्लॉक ने स्प्रिंग को कितना खींच दिया? 10 खींच दिया अपनी मेन पोजीशन से। एट फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट, ऐसे ही बजाय ऐसे खींच दिया, हॉरिजॉन्टल सही, कोई बात नहीं। फाइंड काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 cm अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। इसमें ना दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, मेरे को निकालना क्या है, जब वो ब्लॉक स्प्रिंग में 5 cm दूर होगा तो मुझे उसकी एनर्जी बतानी है, किसी भी 5 cm पे काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल क्या होगी। बस आप ये बताएं इसमें 10 cm क्या है और इसमें 5 cm क्या है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स 10 क्या है, सिंबल एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपने उस ब्लॉक को 10 cm मैक्सिमम खींच दिया तो वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। लेकिन आपको जब वो जा रहा था 10 पे, किसी भी इंस्टेंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी 0 से 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 cm पे आपको काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी निकालनी है। तो 5 क्या हुआ, वाई, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 5 है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 है। तो वाई और ए में डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 है, ए है वो, और वाई इसमें 5 है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इस क्वेश्चन में 1 kg का ब्लॉक है तो मास पता है, ए पता है, वाई पता है, आपको ओमेगा नहीं पता। स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा मैंने आपको लिखवाया था अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पता है और मास पता है, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। फिर आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओमेगा नहीं पता तो पुट कर लो अंडर रूट ऑफ के बाई एम, एम पता है, के पता है, वाई पता है, पोटेंशियल और टोटल क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ऐड कर दो आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM जिसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है। जब ये गिवन होगा ना टाइम पीरियड SHM में, कैपिटल टी है ये 8, टाइम पीरियड मीन्स कैपिटल टी, और अगर आपको कैपिटल टी पता है तो समझो आपको ओमेगा भी पता है। ओमेगा क्या है, 2π/कैपिटल, तो ओमेगा भी आ जाएगा, टी भी पता है, मास आपको पता है, वेलोसिटी 4 m/s है। आफ्टर 1 सेकेंड इट पासिस द मेन पोजिशन, तो जैसे ही मेन पोजिशन को वो क्रॉस करता है पार्टिकल, तो वेलोसिटी कितनी है उसमें, वेलोसिटी की वैल्यू उसमें 4 m/s है। ये कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम है, नहीं, इंस्टेंटेनियस है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी दे रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 4 है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है इस पोजीशन पर जब इसकी वेलोसिटी 4 है, आपको बताना है कि काइनेटिक टोटल और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें मास पता है, टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड से ओमेगा पता है, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 m/s पता है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लें, इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी की 4 है, एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में नहीं पता, ओमेगा पता है, π/4 है, ओमेगा π/4 है, टाइम पता है, वेलोसिटी कब है, 4, जब टाइम 1 सेकेंड है, π/4 का मतलब 45 डिग्री है, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, इसे और इसे इक्वेट करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एम्पलीट्यूड आ गया ए, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, तो एम्पलीट्यूड आ गया तो टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मास पता है, ओमेगा हमने निकाल लिया, एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी आ गई, फिर काइनेटिक निकालनी कितनी आसान है, क्योंकि वो तो सीधी आपको वी की वेलोसिटी दे ही रहा है इंस्टेंटेनियस। तो जब वेलोसिटी वी की वैल्यू 4 है
काइनेटिक पूछ रहा है, सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, वो बड़ा फॉर्मुला लगाने की जरूरत ही नहीं है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों लगाओगे, सीधा पुट करो हाफ एम वी स्क्वायर, आंसर आ गया। फिर क्या निकालनी है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, टोटल में से काइनेटिक माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली पोटेंशियल आ गई, बात खत्म हो गई। मेथड समझ में आ रहा है आपको कि क्या लगाना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये शायद हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ये दो क्वेश्चंस कर लिए थे, ये नहीं किया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 0.2 मीटर, क्या गिवन है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया एक्स, डेवलप्स अ रिस्टोरिंग फोर्स 25। रूल नंबर वन, जब आपको ऐसी बातें करता दिखाई दे कि भाई फोर्स की वैल्यू तो 25 है, फोर्स की वैल्यू तो 25 न्यूटन है और कंप्रेशन कितनी है 0.2 है, तो आप फॉर्मूला लगाएं एफ इज इक्वल टू के टाइम एक्स, फोर्स 25 है, के एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2, सब इसका मतलब आपको क्या निकालने को दे रहा है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो फोर्स और कंप्रेशन आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का हिंट दे रहा है, आप लगाएं फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। पहली लाइन आपको हेल्प कर रही है हाउ टू कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के निकल गया आपका पहला केस में, के आ गया 125। अगली लाइन, बॉडी जिसका मास 5 kg है इस प्लेस्ड ओवर इट, स्प्रिंग के ऊपर हमने डाल दिया 5 kg का ब्लॉक डाल दिया, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग बताओ। अब फोर्स कांस्टेंट तो निकल गया ए पार्ट से, वो तो चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट है ए पार्ट तो हो गया। डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बताओ अंडर द वेट ऑफ द बॉडी, जब वो आप वेट लगाओगे 5 kg का तो वो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड या कंप्रेस हो जाएगा, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो आपको एक्सपेंशन या कंप्रेशन बताओ क्या होगा जब आपने 5 kg का वेट लगाया, 5 kg का वेट लगाने का मतलब आपने फोर्स क्या लगाई, mg, mg का मतलब 5g, 5g का अप्रॉक्सीमेटली 50 N की फोर्स लगाई। फिर से स्प्रिंग का फॉर्मूला लगाओ एफ इज इक्वल टू के वाई, इस बार फोर्स क्या पुट करो 50, के आपने निकाल रखा है, यहां से वाई की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, वाई की वैल्यू आ गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं SHM नहीं कर रहा, मैं वर्क पर एनर्जी का चैप्टर कर रहा हूं जहां पर स्प्रिंग डिस्कस हो रहे हैं, SHM यूज कहां हो रहा है, कहीं भी नहीं। एफ इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें इसमें नेक्स्ट क्या निकाल लें, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है 2π√m/k, पर मास की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, क्योंकि हमने कितना मास लटकाया था 5। पहली लाइन सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकें, पूरा एक्सपेरिमेंट 5 kg के साथ हो रहा है। तो तीनों पार्ट्स क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, पहले हुआ हुआ था इस 0.2 kg से, 0.02 kg से और एक्सपैंड हो गया और कितना हो गया 7 cm और हो गया। तो आपको क्या निकालना है, अब मैंने 0.02 kg हटा दिया तो बचा क्या सिर्फ 0.2, तो टाइम पीरियड क्या है भाई, पहले k चाहिए होगा, टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का होता क्या है t = 2π√m/k, क्योंकि आपने ये तो टेम्पररी लगाया था 0.02, एक्चुअल में तो 0.2 ही लगा हुआ है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m में 0.2/k, तो मुझे क्या चाहिए होगा, k आंसर आ जाएगा। अब k निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने जो ये मास लगा रखा था उससे स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हुआ गिवन नहीं है, पर इससे कितना एक्सपैंड हुआ वो गिवन है, तो इसने वेट कितना लगाया 0.02 g mg वेट लगा अपॉन
तो आप एक काम करें, जो भी ये वेट लगा 0.02 जी का वेट लगा, इससे स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, और एक्सपेंशन आपको इस वेट की वजह से गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, किया जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जितने वेट ने जितनी एक्सपेंशन प्रोड्यूस की उसके ऊपर फॉर्मूला क्या लग गया, mg is equal to kx, वहां से आपके पास k की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बस k आ गया, फिर तो अगले पार्ट में लगा ही लो, t is equal to 2 by root m by k, मास 0.2 kg, और k आपने निकाल लिया, आंसर आ गया। तो एंड में तो फॉर्मूला t is equal to 2 by root m by k यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पहला फॉर्मूला स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालने का ही सारा कुछ हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इंपल्सिव फोर्स गिव्स एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बात हुई? स्प्रिंग पड़ा था अननेचुरल लेंथ पे, ब्लॉक पड़ा है, इंपल्सिव फोर्स ने वेलोसिटी -1 दी। -1 का मतलब क्या है? कहां दी? राइट दी कि लेफ्ट दी? लेफ्ट दी, बिल्कुल सही। इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर की वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये मैंने फोर्स लगाई और ये चल पड़ा विद अ वेलोसिटी ऑफ 1। -1 का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट गई। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब सेकंड पॉइंट ये बताओ, जब ये स्प्रिंग यहां पे है, मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो स्प्रिंग यहां पे है, ये मास यहां पे है, फिर आपने इसको कंप्रेस किया ऑब्वियसली, तो ये मास यहां पे आएगा, फिर क्या होगा, ये मास यहां पे भी आएगा, ऐसे आएगा, तो
तो इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन थी, आपने वेलोसिटी यही दी थी ना। कोई मुझे बताएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटीज क्या होती हैं? जीरो, एक्सट्रीम पे तो रुक जाएगा ना, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्स। तो ये वन पता है क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। ये इनडायरेक्टली मीन पोजीशन की वेलोसिटी हमेशा मैक्स वेलोसिटी है। तो मीन पोजीशन की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है और आपको क्या दे रहा है? वो वी मैक्स। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई इसमें, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ए ओमेगा दे रहा है, इन मतलब वो इन शॉर्ट ए ओमेगा दे रहा है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, और साथ में गिव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कैसे चेंज हो रही है? तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख के दिखाओ। चलो पहले एक एक करके करते हैं। मुझे क्या गिवन है? मुझे v max गिवन है, वन। मुझे ये पता है v max होता क्या है? a omega किया था, maximum velocity a omega, इसकी value वन गिवन है। omega मुझे निकालना आता है, under root of k by m, k मुझे पता है, m मुझे पता है, तो omega भी आ गया। तो इस formula में v max गिवन है, omega मैंने निकाल लिया, तो solve करके क्या आ गया? amplitude आ गया, एक answer आ गया। आपको क्या निकालना है? amplitude, amplitude आ गया। v is equal to a omega से वी मैक्स गिवन है, ओमेगा मैंने निकाल लिया तो ए आ गया। फिर मुझे इक्वेशन बनानी है। मुझे ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इक्वेशन में माइनस आएगा? ये इक्वेशन ये होगी, इन जनरल इक्वेशन ये होगी। क्यों होगी? क्या हमने ऐसा किया कभी? हमने किया पहले लेक्चर में, चार फोटोएं बनी हुई है पेंडुलम की। अगर पेंडुलम राइट चलता है मीन से, तो इक्वेशन क्या बनती है? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है ए कॉस ओमेगा टी, मीन से इधर स्टार्ट होता है माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अगर यहां से स्टार्ट होता है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे बना के दिया हुआ है। इस बार ये पेंडुलम नहीं है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग मास सिस्टम कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन से टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पर साइन क्या आएगा? माइनस। अगर वो राइट जाता तो प्लस, लेफ्ट जाएगा तो माइनस। तो ए आपने निकाल लिया, आंसर इक्वेशन बनेगी इसकी। तो समझ में आया फर्स्ट लेक्चर कितना जरूरी था वो समझना, कि लेफ्ट है कि राइट है, कैसी इक्वेशन बनेगी इसकी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि माइनस साइन क्यों आएगा इसमें? नेक्स्ट, क्वेश्चन है दो मासेस हैं m1 एंड m2 सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, दो मासेस हैं m1 m2, तो स्प्रिंग अच्छा खासा एक्सपेंडेड होगा, दो मास है। अब व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं दोनों मासेस, कोई स्प्रिंग ने जितना खींचना था खींच गया, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप गए, आपने जेंटली m1 को हटा दिया, आपने यहां से m1 को हटा दिया, तो बोलो ये स्प्रिंग का मास जो बचा m2 वो कहां जाएगा? नीचे की ऊपर कि वहीं रहेगा? ऊपर जाएगा, भार कम कर दिया तो वो मास ऊपर चला जाएगा। जितना भार लगाएंगे मास नीचे आएगा, आपने एक हटा दिया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो पहले स्प्रिंग ज्यादा एक्सपेंडेड था, अब स्प्रिंग कम एक्सपेंडेड होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। आगे फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा निकाल दो, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एम टू। एम टू, एम टू क्यों बोल रहा है? एम वन तो हटा दिया, बचा क्या? एम टू।
m2 का ओमेगा निकाल दो, वो तो मैं एक मिनट में निकाल ही दूंगा, क्या अंडर रूट ऑफ के बाय m2, m1 तो हट गया, क्या बचा, एक स्प्रिंग बचा, एक m1 बच गया, सॉरी एक m2 बच गया, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के बाय m2 आंसर। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब जैसे आपने m1 को हटाया तो ये कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया। अगर मैं ये बता दूं कि अब ये कितना लंबा है स्प्रिंग, मतलब इसकी एक्सपेंशन कितनी है, फिर बाद में इसकी एक्सपेंशन कितनी है, दोनों एक्सपेंशन को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों मास लगे हुए हैं, दोनों मास से स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है, वाई, तो टोटल वेट कितना है, m1 प्लस m2 इनटू g इज इक्वल टू ky, यहां से y निकाल लो, ठीक है, इतना एक्सपेंडेड है स्प्रिंग। फिर आपने एक मास हटा दिया, m1 हटा दिया, क्या बचा, m2, m2 g ने स्प्रिंग को कितना एक्सपेंड किया, ky डैश, तो y डैश आ गया। अब यानी कि आपका स्प्रिंग y से कहां गया, y डैश पे, कितना ऊपर गया, दोनों को उठा के क्या कर लिया आपने, माइनस, y और y डैश को माइनस किया, ओपन किया, इसे ओपन करके ये आएगा, यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड, कितना ऊपर गया मैक्सिमम, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आंसर आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में m1 क्वेश्चन में गिवन है, g पता है, k पता है आंसर, और ओमेगा तो मैंने बता ही दिया आपको, अंडर रूट ऑफ k / m2 आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, दो मास से एक्सपेंशन निकाल लो, फिर एक मास से एक्सपेंशन निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक ये हमने कर लिया, स्प्रिंग्स इन पैरेलल वाले सारे केसेस हमने कर लिए थे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है सारे, ये हमने कर लिया लास्ट टाइम, ये हमने शीट कर ली, ठीक, ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे, ये भी कर लिया, डैम्पिंग